नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदिशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Nittai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Manande Hari Hari Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitinamine Namaste Sharashati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Paschatta Nishutarine Srila Prabhupada Ki Jai Hare Krishna तो हम अब हरिनाम चिंतामणि के आधार पर सेमिनार दे रहे हैं। काल कौन कौन यहाँ थे? अच्छा, और कौन कौन नहीं थे? कौन कौन रहेंगे? ओके, हरे कृष्णा। तो हरिनाम चिंतामणि, हरिनाम चिंतामणि का मतलब है चिंतामणि जैसे सब कुछ दे सकते हैं, हरिनाम भी सब कुछ दे सकते हैं, यानी कृष्ण प्रेम तक। ये कृष्ण प्रेम बहुत ही दुर्लभ है। ये कृष्ण प्रेम जो है, ये कृष्ण प्रेम बैकुंठवासी के लिए भी दुर्लभ है। बैकुंठवासियों को ये ब्रज प्रेम नहीं मिलता है। मतलब भगवान के साथ वृंदावन में जो विशेष संपर्क, सख्य रस, वात्सल्य रस और मधुर रस में भगवान के जो, भगवान के साथ जो प्यार का संपर्क है, बहुत गहरा प्यार का संपर्क, वो बैकुंठवासियों को नहीं मिलता है। बैकुंठवासी केवल, यद्यपि वो सब भगवान के पार्षद हैं, लेकिन उनको केवल दास्य रस तक मिलता है, शांत रस और दास्य रस। दास के रूप में भगवान की सेवा करते हैं उन लोग, भगवान के सखा के रूप में सेवा करने का अवसर नहीं मिलता है। बैकुंठ में भगवान का सखा कोई नहीं है, भगवान के मित्र कोई नहीं है, भगवान का दोस्त कोई नहीं है, सब भगवान का नौकर है। लेकिन वृंदावन में भगवान के सखा, सखाए मतलब उन लोगों ने, उन भक्तों ने भगवान के साथ सखा के रूप में आचरण करते हैं। सखा के रूप में आचरण का मतलब क्या है? बच्चे लोग दोस्तों के बीच खेलते हैं, खेल कूद में कभी लड़ाई होता है, बैकुंठवासी वृंदावनवासी जो भक्त ये हैं, सख रस में जो भगवान के सखाए हैं, भगवान के साथ लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं,
डांटते हैं। और एक खेल उनको है कुश्ती, भगवान के साथ वो लोग कुश्ती करते हैं। केवल कुश्ती ही नहीं, कुश्ती का एक शर्त रहता है कि जो हार जाएगा वो विजयी को अपने कंधे पर चढ़ाकर उसको चक्कर लगाना होता है। तो कभी कभी कृष्णा अपने सखा के साथ हार जाते हैं कुश्ती में। तो सखा बोलते हैं कृष्णा अब चलो अपना कंधे में उठाकर, हाँ चलो। कृष्ण बोलते हैं नहीं मैं हारा नहीं, वह एक केले का छिलका था उसमें अब मैं गिर गया और तब तुम हम पर चढ़कर बोला तुम हराया, मैं हराया नहीं, ये सही नहीं था। सखा बोला इतना तकलीफ उठाकर मैं तुमको हराया और तुम बोलता है कि तुमको हराया नहीं, केले का छिलका, केले का छिलका कहाँ है दिखाओ, और सबको पूछो क्या तुम गिर गया था या मैं तुमको हराया। ये कहकर सखा क्या करते हैं, कृष्ण के कंधे पर चढ़ जाते हैं जबरदस्त। अच्छा आप सोचो अगर कंधे में चढ़ना है तो क्या करना होता है, कृष्ण का शरीर में अपना पैर रखकर उसके कंधे में चढ़ना पड़ा। तो अब बताओ कौन भक्त ऑल्टर में जाके भगवान के शरीर पर, भगवान के विग्रह पर पैर लगाएंगे, कोई सकेगा, कोई भक्त ऐसा कर सकेंगे नहीं। लेकिन वृंदावन के जो सखागण है वो ऐसे भगवान के साथ आचरण करते हैं, उनके मनोभाव चाहे तुम जो भी हो, चाहे तुम भगवान हो या ना हो, उसमें क्या आता जाता है, असल विचार तो ये कि मैं तुम मेरा दोस्त हो, तुम मेरे सखा हो, यही तुम्हारा परिचय मेरे पास। चाहे तुम भगवान हो वो भी अच्छा, भगवान नहीं हो तो भी अच्छा। माँ यशोदा ने छड़ी लेकर हाथ में कृष्ण को मारने को जाता है, कृष्ण को रस्सी के द्वारा दामोदर को बांध लेते हैं। नंद महाराज बोलते हैं कृष्ण बेटा मेरा चप्पल तो लाओ, और कृष्ण अपना सर पर पिता का चप्पल रख के आ जाते हैं। ये क्या भगवान के साथ ये कैसे आचरण, कौन कर सकेगा, भगवान को कोई बोले कृष्ण मेरा चप्पल सर पे उठा कर लाओ। और गोपीगण क्या कहते हैं, राधा रानी को जब गुस्सा होता है राधा कृष्ण के ऊपर तो ललिता विशाखा आदि गोपियों को बोलते हैं उसको मेरे पास आने को नहीं देना, उसका शकल भी मैं देखना नहीं चाहता। और सखीगण भी बोलते हैं कृष्ण आप भाग जाइए यहां से, राधा रानी का गुस्सा बहुत हो गया है, ना जाने क्या कर देंगे। और कृष्ण भी रोते हुए वहां से चले जाते हैं। यमुना के तट पर जाके कृष्ण रोने लगता है। ऐसे जो प्यार का जो संपर्क, ये केवल वृंदावन में ही हो सकता है, कहीं नहीं, यानी मथुरा में भी नहीं, द्वारका में भी नहीं। तो हरि नाम जो है ये कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं, हरि नाम के द्वारा ही केवल कृष्ण ऐसी ब्रज प्रेम संभव होता है। इसलिए नाम है चिंतामणि, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नता नाम नामिन। कृष्ण नाम और स्वयं कृष्ण अभिन्न है, तो इसलिए ये नाम है चिंतामणि। कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई भी अंतर नहीं है,
और भौतिक जगत में ये हरिनाम जो कृष्ण से अभिन्न है शब्द के रूप में प्रकट हुआ है, शब्द के रूप में। जैसे मिट्टी से भगवान का विग्रह का प्रकाश हुआ है, जो श्री विग्रह का एक भौतिक उपादान से भगवान का रूप प्रकट होता है। मंदिर में जो भगवान का विग्रह हम पूजा करते हैं वो कैसे पांच पांच तत्व हैं, पंच तत्व मतलब पांच प्रकार के उपादान हैं, मिट्टी पानी अग्नि वायु आकाश। तो मिट्टी से भगवान का, जैसे पत्थर, मिट्टी का मतलब है जो कठिन पदार्थ, तो कठिन पदार्थ में आता है पत्थर, मिट्टी, दारू, लकड़ी, धातु, इसमें से भगवान का रूप प्रकाश होता है, वह है भगवान का श्री विग्रह। और भी होता है, आठ रूप से भगवान का श्री विग्रह का प्रकाश होता है, मृन्मयी, लेप्पा, लेखा, दारुमयी, मनोमयी, मणिमयी, मन से भी हरे कृष्णा। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चादिशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सीता गदाधा शिवाशदि गौर भक्त। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे Nittai Gaur Haribo 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 Jaya Jaya Prabhupada 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 प्रेमानंदे हरि हरि बोल नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणे शील प्रभुपाद की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरे कृष्णा। कल से हम हरि नाम चिंतामणि के आधार पर एक सेमिनार देना शुरू किया। अब कल कौन कौन आए थे? अच्छा, बहुत अच्छा। और कौन कौन नहीं आए थे वो भी बहुत अच्छा। आज सुबह कौन कौन नहीं आए थे? हाँ, ठीक है। मैं संक्षिप्त रूप में जो विचार हम कल
और आज सुबह किया था उसके बारे में कुछ बताएंगे। हरि नाम चिंतामणि। हरि नाम का मतलब क्या है? भगवान का नाम। और चिंतामणि का मतलब क्या है? चिंतामणि ऐसी एक मणि है जो सब कुछ दे सकता है। हम जो कुछ मांगेंगे चिंतामणि हमको दे सकता है। तो भगवान का नाम चिंतामणि जैसे है। ये जब हम ये नाम जपते हैं तो हमारे जितने सारे मन कामना है वो पूर्ण हो जाता है। लेकिन ये विचार करना चाहिए क्या हमको चाहना है क्या नहीं चाहना। और विशेष रूप से जब हम भगवान को शरण लेते हैं तो जो वस्तु हमारे लिए कल्याणकार नहीं है, कल्याणदायी नहीं है, भगवान वो हमको नहीं देते हैं। जैसे पिता बच्चा को सब कुछ देने के लिए तैयार रहता है ना, लेकिन बच्चा अगर जहर मांगेगा पिता देगा? जो काम जो वस्तु उसके लिए अच्छा नहीं है, उनके जो शुभाकांक्षी हैं वो नहीं देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जैसे बच्चा का बीमार हुआ है, बच्चा खाना चाहता है, पिता बोलते हैं नहीं खाना मत दो, क्योंकि खाना खाने से बीमारी और भी खराब हो जाएगा। तो इसका मतलब नहीं, ये नहीं है कि पिता निष्ठुर है, कठोर है, इसलिए पिता खाने को भी नहीं देख देता है। लोग ऐसे समझ सकता है कि देखो कैसे पिता है, बच्चा खाने के लिए रो रहा है लेकिन नहीं दे रहे। बल्कि असल में पिता को मालूम है उसको क्या करना चाहिए, उसको क्या देना चाहिए। तो इसलिए जब तक हरिनाम हमको सब कुछ दे सकता है, लेकिन जो वस्तु हमारे लिए कल्याण कर नहीं है वो वस्तु भगवान नहीं देते हैं। और जब हम भगवान को शरण में आते हैं तो हमारा चाहना क्या होता है? सही रूप से भगवान की कृपा, ताकि भगवान के साथ हम संपर्क जोड़ सके। तो हरिनाम ऐसी एक चिंतामणि है जो हमको सब कुछ दे सकता है, लेकिन जब हम भगवान को शरण में आते हैं तो भगवान सोच विचार करके जो हमारे लिए कल्याण कर रहे हैं वही केवल देते हैं। तो अब पहला प्रश्न ये आता है कि भगवान कौन है। मैं तो पूछूंगा ऐसे इसके भी पीछे, भगवान है या नहीं? कौन सोचते है भगवान है? हाथ उठाइए। और जो सही रूप से मानते हैं भगवान है तो दो हाथ उठाइए। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
तो ये जो मंत्र हम अब जपे हैं, बोले हैं, कीर्तन किया है, ये कौन से मंत्र है? हरिनाम महामंत्र। तो ये नाम भगवान का ही द्योतक है, मतलब ये नाम और नामी, नाम है ये और नामी कौन है? भगवान में कोई अंतर नहीं है। जो भगवान है उनका नाम है, और भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ये हमारा पहली विचार है, भगवान है। अच्छा, अब एक प्रश्न होता है, भगवान साकार है या निराकार है? अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा, आप सब जगन्नाथ के भक्त हैं, तो भगवान को रूप तो आप देख रहे हैं, तो जो बोलेगा भगवान निराकार है उसको असल में सही जानकारी नहीं है। भगवान का जो शक्ति है, वैभव है, वो निराकार है। जैसे बत्ती, रोशनी, ये निराकार है, इसका आकार नहीं है। शक्ति निराकार है, लेकिन शक्तिमान, शक्तिमान को साकार है। तो और ऐसे आध्यात्मिक विचार से शक्ति का भी रूप है, जैसे लादिनी शक्ति का रूप है श्रीमती राधा रानी। भगवान का जितने सारे शक्ति हैं उसका भी रूप है, जैसे एक प्रभाव भगवान का है कि गंगा नदी, ये नदी का जो अधिष्ठात्री है उनका रूप है, है ना, गंगा देवी दुर्गा, भगवान की माया शक्ति, माया के मूर्ति मति प्रकाश है दुर्गा देवी। तो वैसे भगवान को जब हम पहचान लेते हैं तब हमें पता चलता है कि भगवान साकार है। ब्रह्म ज्योति जो है, जो ज्योति किरण कण, किरण ज्योति जो भगवान से निकल रहा है, वो है निराकार, ज्योति है निराकार, ब्रह्म है निराकार, बल्कि परम ब्रह्म है भगवान। तो भगवान है और हमारे साथ भगवान का संपर्क कैसी है? ज्योति है, भगवान से ज्योति निकल रहा है, तो ज्योति का जो कण है वो है जीव, जीवात्मा। हम सब भगवान के किरण कण है, चेतना का कण है। जैसे सूरज से बहुत सारे रोशनी निकल रहा है, तो वो रोशनी का सूरज है कृष्ण। अगर हम मानते हैं कि सूरज है कृष्ण, तो किरण, सूरज से जो किरण कण निकल रहा है वो है जीवगण। जीव का दो स्थिति होता है, बद्ध और मुक्त। जो जीव भगवान के साथ रहते हैं, जो भगवान से कभी अलग नहीं होते हैं, वो मुक्त जीव है, वो भगवान के साथ रहते हैं। और जो भगवान से अलग हो गया है,
वो है बद्ध जीव। मुक्त जीव भगवान के साथ, नित्य मुक्त जीव जो है भगवान के भक्त, भगवान के साथ रहते हैं आध्यात्मिक जगत में। और जो बद्ध जीव हैं वो इस भौतिक जगत में रहते हैं। तो हम सब बद्ध जीव हैं इस भौतिक जगत में, हम सब बद्ध हैं। तो जब हम बद्ध रहते हैं तो हमको विचार कैसा होना चाहिए, बद्ध रहना चाहिए या बद्ध अवस्था से मुक्त होना चाहिए? मुक्त होना चाहिए। तो मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए? मुक्त होने के लिए भगवान के शरण में आना चाहिए। जैसे कारागार में कैदी है, उसको कैद क्यों हुआ है? क्योंकि वो राजा का कानून तोड़ा है। कानून है बुरा काम मत करना, और जो बुरा काम करता है उसका मतलब क्या होता है? कानून नहीं मान रहा है। तो ऐसे जब कानून जब ना नहीं मानते हैं तो वो अपराधी बन जाता है, और अपराधियों को कारागार में सजा दिया जाता है। तो कैदी को कारागार में सजा मिल रहा है। ऐसा कभी कभी होता है कि उसको पता नहीं रहता है क्यों 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 इनका सजा मिल रहा है, लेकिन जब कोई आकर उसको समझाता है, देखो इस कारागार में तुम जो दंड भोग रहे हो इसका कारण है तुम राजा को कानून नहीं माना है, तो राजा के शरण में आ जाओ, राजा के पास एक पिटीशन लिखो, हे महाराज मेरा गलती हो गया है, मैं आपका कानून तोड़ दिया और उसके नाते हमको सजा मिल रहा है, मैं वादा करता हूं मैं कभी आपका कानून नहीं तोड़ूंगा, मैं आपके वश में रहूंगा, आपका सेवक के रूप में रहूंगा। तो राजा क्या कर सकते हैं? राजा उसको मुक्त कर सकते हैं? राजा सोचेगा अरे इसका तो मनोभाव का परिवर्तन हो चुका है, संशोधन हो गया है, चलो इसको निकलने दो। और उस व्यक्ति को अगर राजा के साथ संपर्क बन चुका है तो राजा क्या बोलेंगे उसको? मेरे प्रासाद में लाओ, उसको मेरे साथ रहने का अवसर दे दो, है ना? तो वैसे ही राजाओं का राजा कौन है? राजाओं का राजा है परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण। तो जब हम ऐसे भगवान के शरण में आ जाते हैं और भगवान की सेवा में लग जाते हैं, हमारे भगवान के साथ हमारे प्यार का संपर्क स्थापन कर लेते हैं, तो भगवान हमारे प्रति प्रसन्न होकर हमको इस भौतिक जगत से मुक्त करके अपने पास बुला लेते हैं। तो वैसे भगवान के साथ संपर्क जोड़ने का जो तरीका है इस कलियुग के लिए, उस तरीका है हरि नाम। हरे नाम हरे नाम हरे नामैव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। यह हरिनाम के बिना कलियुग में और कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है। अतएव हम सबको नाम के आश्रय में रहकर भगवान के साथ संपर्क जोड़ने का प्रयास करना पड़ेगा। तो यह नाम ऐसी एक वस्तु है जो भगवान के साथ हमारा संपर्क जोड़ने का अवसर देता है।
संपर्क जोड़ने का अवसर देता है। तो अब सवाल होता है, संपर्क कैसे जोड़ता है, संपर्क कैसे जोड़ा जाता है? आप कभी सोचे हैं? आप देखिए, आप सोचिए किसके साथ आपका संपर्क है। आपका पिता का साथ आपको संपर्क है, है ना? संपर्क क्यों है? क्योंकि आपके पिता और आपके बीच एक प्यार है, प्यार के नाते संपर्क बनता है। आपका भाई के साथ आपका संपर्क है, क्यों? प्यार के नाते। आपके दोस्तों के साथ आपका संपर्क है, क्यों? प्यार के नाते। तो प्यार के नाते ही, प्यार के माध्यम ही संपर्क बनता है। जिनके बीच प्यार नहीं है उनके बीच संपर्क हो सकता है। दो शत्रु के बीच संपर्क बन सकता है, बनता है, शत्रु का संपर्क बनता है। बल्कि वो संपर्क अनुकूल संपर्क नहीं है, उस वो संपर्क प्रतिकूल है, विरोधी संपर्क है, वो संपर्क नहीं है। असल संपर्क जो है वो प्यार के माध्यम बनता है। तो अब बताइए, अगर हम भगवान के साथ संपर्क बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? भगवान के प्रति उदासीन रहेंगे तो संपर्क बनेगा, भगवान के शत्रु बनेंगे तो क्या बनना चाहिए? भगवान के प्रति अनुकूल भाव, मतलब हमारा जो प्यार है उसको भगवान के प्रति अर्पण करना चाहिए। और इसका शुरुआत है समर्पण से, शरण लेने से, शरणागति। गीता में जैसे भगवान बताया, माम एकम शरणं व्रजो, ये श्लोक किसको मालूम है, किसको याद है? बहुत अच्छा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रजो। तो ये निर्देश भगवान दे रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए? भगवान अगर ये निर्देश दे रहे हैं, भगवान की वाणी सुनना चाहिए या भगवान को वाणी को अस्वीकार करना चाहिए? कौन भगवान की ये वाणी अस्वीकार करना चाहते हैं? कोई भी नहीं। लगता है कलयुग में असुरों का ये नहीं है, असुर नहीं है कोई, सब भक्त बन गया है। है तो है, हम जरूर, आप सब भगवान के भक्त हैं, इसलिए आप सब भगवान के वाणी मानने के लिए तैयार रहते हैं। तो क्या करना चाहिए? माम एकम शरणं व्रज, केवल मेरा शरण। जो भगवान का शरण लेता है वो है भक्त। भक्तों का संज्ञा, डेफिनेशन वर्णन करते हुए कहा गया कि भक्त में 26 गुण हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम का एकादश स्कंद में उद्धव को बताया गया था, 26 गुण हैं भक्त का। लेकिन तत्पश्चात ये भी बताया गया कि एक है स्वरूप लक्षण और एक है गौण लक्षण। तो स्वरूप लक्षण भक्तों का 26 गुण होना चाहिए, लेकिन उनमें से सबसे प्रधान गुण कौन सी है 26 गुणों में से? अच्छा, ये 26 गुण हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। श्रीमद् भागवतम का एकादश स्कंद में भगवान उद्धव को भक्त का
संगा भक्त का गुण लक्षण वर्णन कर रहे हैं। दयालु, भक्त दयालु है। सहिष्णु, सहिष्णु का मतलब सहनशील। समा, हर जीव के प्रति समान मनोभाव उनका रहता है। द्रोह शून्य व्रतो, किसी के प्रति उनका विरूप भाव नहीं रहता है। सत्य सार, सत्यवादी। विशुद्ध आत्मा, परोहिते रतो, दूसरे को मंगल करने में युक्त रहते हैं भक्त। कामे अक्षुभितो बुद्धि, काम के द्वारा उनका बुद्धि प्रभावित नहीं होता है। दांत विनम्र, अकिंचन, कोई आसक्ति नहीं है उनका, एकदम पूर्ण रूप से अनाशक्त। मृदु, उनका स्वभाव मृदु है, कोमल है होता है। शुचि, शुचि बहुत साफ पवित्र है। परिमितो भोजी, जितना खाना चाहिए उतना ही खाते हैं। जगन्नाथ को प्रसाद देना, जगन्नाथ को प्रसाद आकंठ पुड़िया करो प्रसाद सेवा, क्योंकि जगन्नाथ को प्रसाद से ही कृपा मिलता है, कृपा बांट रहे हैं जगन्नाथ। शांत मन, उनका मनोभाव है शांत। अनीहा, किसी के प्रति उनका इहा या आसक्ति नहीं रहे। धृतिमान, उनका बुद्धि धीर और कृष्ण के प्रति नियुक्त रहता है। स्थिर, कृष्ण ही का शरण, केवल कृष्ण का ही शरण में रहते हैं। अप्रमत्त, प्रमत्त नहीं होते हैं किसी कार्य विषय में, अधिक युक्त नहीं होते हैं। सुगभीर, गंभीर। बीजितो सड़गुण, छह गुण को, काम क्रोध आदि, ये जो ये हैं उसको जय कर ली है। अमानी, मान की प्रत्याशा नहीं करते हैं, सम्मान की प्रत्याशा नहीं करते हैं। मानद, दूसरे को सम्मान देते हैं। दक्ष, बहुत दक्ष होते हैं, बहुत एक्सपर्ट होते हैं सब काम में। अवंचक, किसी को प्रताड़ना नहीं करते हैं, वंचना नहीं करते हैं। ज्ञानी, तो ये 26 लक्षण जिनमें हैं उसको साधु समझा जाता है, और साधु का मतलब है भगवान के भक्त। लेकिन तत्पश्चात यहां वर्णन होता है कि ये लक्षण दो प्रकार का है, एक है स्वरूप लक्षण और एक है तटस्थ लक्षण। स्वरूप, भक्तों का स्वरूप किस लक्षण के द्वारा हमें पता चलता है? स्वरूप लक्षण क्या है? स्वरूप लक्षण है कृष्ण ही का शरण। भक्त जो है वो केवल कृष्ण का ही शरण ले लिया है,
और बाकी जो 25 हैं वो है तटस्थ लक्षण। और यह वर्णन हुआ है कि अगर सौभाग्य के कारण साधु के संग से नाम में रुचि होता है तब ये जो अन्न गुण जो है तटस्थ लक्षण जो है वो अगर नहीं भी था वो प्राप्त हो जाता है। तो यह विचार अब यह है भक्त कौन है, भक्तों का संगा क्या है, जो भगवान को शरण भगवान के शरण में आ गए। कृष्ण एक शरण केवल कृष्ण का ही माम एकम, भगवान खुद कह रहे हैं माम एकम शरणं व्रज, अर्थात जो केवल भगवान का ही शरण ले लिया है वो है भक्त। तो भगवान का भक्त जो बनना चाहते हैं उनको क्या करना होगा, क्या करना चाहिए, भगवान के शरण में आ जाना चाहिए। ऐसे भौतिक जगत में हम और किसी के शरण में ऐसे रह सकते हैं लेकिन प्रधान शरण जो है वो भगवान के ही प्रति होना चाहिए। और भगवान के शरण में आने का पद्धति कैसी है, भगवान जो बताए हैं वही करना है। भगवान के शरण में आना आने का मतलब क्या होता है, भगवान के निर्देश अनुसरण करना। अगर भगवान बोलते हैं बाएं तरफ चलो और मैं सोचा नहीं मैं दाहिना तरफ जाऊंगा तो ये क्या शरण का लक्षण हुआ, भगवान को मानने का लक्षण हुआ? नहीं, शरण देने का मतलब है भगवान जो कह रहे हैं उसको ही पालन करना, भगवान जो निर्देश दे रहे हैं उसको ही पालन करना। तो भगवान का निर्देश क्या है कलियुग में, क्या करना चाहिए कलियुग में, ध्यान करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, अर्थात ध्यान के माध्यम हम कलियुग में भगवान की कृपा लाभ कर पाएंगे? नहीं। यज्ञ के द्वारा भगवान की कृपा प्राप्त हो सकेंगे? नहीं। पूजन के द्वारा भगवान की कृपा प्राप्त हो सकेंगे? नहीं। तो कैसे हम भगवान की कृपा प्राप्त हो सकते हैं? प्रभु कहे कोहिलाम एई महामंत्र, श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण भक्त के रूप में आए थे, वो रूप है श्री कृष्ण चैतन्य। चैतन्य महाप्रभु ये हरिनाम प्रदान किया, करने के पश्चात बताया यहां हो तो सर्व सिद्धि होइबे तुम्हार, तुम केवल ये नाम जपते रहो, इहा सबे जपोगिया कोरिया निर्बंध, इहा हईते सर्वसिद्धि हईबे तोमार, सर्वक्षण बलो इथे विधि नाही आर। ये नाम जपने से तुम्हारा सारे सिद्धि मिल जाएगा, अतएव केवल ये नाम कीर्तन करते रहो, ये है भगवान का निर्देश। तो आप बताइए हमको क्या करना चाहिए, भगवान को निर्देश के अनुसार आचरण करना चाहिए या नहीं? तो हम को नाम के आश्रय लेकर भक्ति के अनुशीलन करना चाहिए, ठीक है? ओके। तो नाम, ये नाम कौन है, ये भी एक सुंदर विचार यहां हुआ है।
हर वस्तु का चार गुण रहता है या चार इंगित रहता है। एक है वस्तु का नाम, जैसे ये एक वस्तु है, इसका नाम क्या है? माइक्रोफोन। वस्तु का रूप है, है ना? माइक्रोफोन इसका रूप है, इसका गुण है, ये कुछ काम के लायक है, और कार्य या क्रिया। हर वस्तु का ये क्या है? टिश्यू। नाम है ना, इसका रूप है, इसका गुण है, और इसका क्रिया है। तो ऐसे हर वस्तु का नाम, रूप, गुण और कार्य रहता है। भगवान को भी ऐसे चार गुण है। भगवान का नाम है। अच्छा, हमारे नाम और भगवान के नाम में अंतर क्या है? हमारा नाम दिया गया है और उस नाम के द्वारा हमारा परिचय स्थापन होता है। लेकिन भगवान को परिचय का जरूरत होता है? भगवान के परिचय के लिए नाम का जरूरत नहीं होता है। भगवान का नाम होता है भगवान के गुण और भगवान के लीला के अनुसार। जैसे कृष्ण, भगवान सबको आकर्षण करते हैं, इसलिए भगवान का नाम कृष्ण। भगवान आनंद आस्वादन करते हैं और दूसरों सबको आनंद प्रदान करते हैं, इसलिए भगवान का नाम है राम। रमते इति राम। ऐसे ही भगवान यशोदा माई के पुत्र के रूप में आए थे, लीला किए थे, इसलिए यशोदा नंदन। गोपीनाथ, ब्रजनाथ, गिरिधारी, ये सब देखिए भगवान के जितने सारे नाम हैं, भगवान के गुण या लीला के द्योतक हैं। और भगवान के अनंत कोटि नाम है, करोड़ों नाम है भगवान का। जैसे भगवान का गुण है असीम, भगवान का लीला भी असीम, इसलिए भगवान का नाम भी अंतहीन। और ऐसे भौतिक जगत में वस्तु और वस्तु के नाम में अंतर होता है, बल्कि आध्यात्मिक जगत में नाम और नामी में अंतर नहीं है। भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। भगवान का नाम भगवान स्वयं। हम जब भगवान को नाम, और ये भगवान का नाम अक्षर के रूप में इस भौतिक जगत में प्रकट हुआ है, अक्षर के रूप में। लेकिन ये नाम, सही शुद्ध नाम जो है वो भगवान से अभिन्न है। तो अक्षर के रूप में नाम का जो प्रकाश हुआ है, उसमें दो विचार होता है, तीन विचार होता है। एक तो ये जो अक्षर है इसमें अपराध है,
जब अपराध होता है तो नाम नहीं रहता है, अपराध के कारण नाम अपराध बन जाता है। और है नाम आभास, नाम की आभास, और उसके परे हैं शुद्ध नाम। तो अपराध कैसी है? दस प्रकार के अपराध है। दस अपराध के बारे में आप सब कौन कौन जानते हैं? वेरी गुड, तब तो हमको कुछ कहना नहीं है, बोलना नहीं है, आप सब जानते हैं। पहला अपराध क्या है? साधुओं का निंदा, भक्तों का निंदा, सतांग निंदा। जो साधु हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनका निंदन होने से नाम प्रभु अपना कृपा प्रदान नहीं करते हैं। भक्तगण भगवान के बहुत प्यारे हैं। आपका जो प्यारे हैं उनके प्रति कोई अगर विरूप आचरण करेंगे तो आप क्या कभी उनके प्रति प्रसन्न हो सकेंगे? आपका प्यारे हैं आपका बच्चा, और कोई अगर उस बच्चा को मारा तो क्या आप क्या करेंगे? आप क्या बोलेंगे, अरे तुम मेरे दोस्त हो? ना क्या आप एक लकड़ी लेके उसको भी मारना शुरू करेंगे, है ना? तो वैसे ही जो भगवान के जो भक्त भगवान के बहुत ही प्यारे हैं, अगर हम उनको निंदन करेंगे, उनके प्रति अपराध करेंगे, तो भगवान हमारे प्रति विरूप रहेंगे। इसलिए ये है पहली अपराध, ये अपराध कभी नहीं करना चाहिए। मतलब भगवान के भक्तों के साथ एक अनुकूल संपर्क स्थापन करना चाहिए, भक्तों के साथ कभी भी प्रतिकूल संपर्क नहीं अपनाना। दूसरी अपराध, शिव ब्रह्मा आदि जो देवता हैं उनको भगवान के समान और भगवान से स्वतंत्र सोचना। तीसरी अपराध, श्री गुरुदेव को निर्देश को अवज्ञा करना। चौथा अपराध, वेद और वेद के अनुगामी जो शास्त्र हैं उन शास्त्रों को निंदन। शास्त्र में, शास्त्र के द्वारा हमें भगवान के बारे में जानकारी हो रहा है, तो उस शास्त्र का हम अगर निंदा करेंगे तो कैसे हम भगवान की कृपा प्राप्त हो सकेंगे? पंचम अपराध, भगवान का नाम का जो महिमा है उसको, उसमें कुछ अर्थ प्रदान करना। और षष्ठ अपराध, ये नाम का महिमा को अति स्तुति, मतलब बड़ा बड़ा के कहा गया है, एक कृष्ण नामे जतो पाप हरे कोनो पापी साध्य नाई ततो पाप करे। एक कृष्ण नाम जितना पाप नाश कर सकता है, कोई पापी का साध्य नहीं है कि उतना पाप करे। ये देखिए ये नाम का प्रभाव। और अगर कोई सोचेगा ये एक्सजरेशन है, ये असल में सही नहीं है। ये है षष्ठ अपराध। सप्तम अपराध, नाम के बल से पाप आचरण। अष्टम अपराध, वेद में जो शुभ कार्य के वर्णन हुआ है, जाग यज्ञ तपस्या आदि, हरिनाम को उसके बराबर सोचना। नवम अपराध,
जो व्यक्ति अश्रद्धालु हैं, जिनको श्रद्धा नहीं है, उनके पास भगवान के नाम का महिमा प्रचार करना। और दशम अपराध, नाम के महिमा जानते हुए भी, जानने के पश्चात भी नाम के प्रति श्रद्धा परायण और अनुराग प्राप्त नहीं होना। और भौतिक जगत के प्रति आकर्षण बजाय रखना, बनाए रखना। ये है दस प्रकार के अपराध। हरिनाम चिंतामणि में और एक अपराध का वर्णन हुआ है, वो है अनवधाने नाम। अवधान का मतलब है मन योग, मन को युक्त करके नाम करना चाहिए। बंदोमुई सावधान मते, सावधान में मतलब स अवधान, सावधान, और न अवधान अन अवधान, मतलब मन ना लगाकर। तो वैसे निष्ठा सहक के साथ नाम जपते रहना, और नाम के प्रभाव से भगवान का कृपा जरूर मिलेगा। भगवान को भगवान के रूप में जानकर, भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है ये समझकर भगवान के नाम जपते रहे। और अगर हम ये करेंगे तो भगवान का कृपा जरूर मिलेगा। हरे कृष्ण गौर प्रेमानंदे हरि। कोई प्रश्न है किसी को? There is a question there. Hare Krishna, Maharaj. श्रीकांत का प्रश्न, श्रीकांत, ये प्रश्न किसका है? श्रीकांत, ओके। ये प्रश्न है, पहले आप बहुत सारे प्रश्न किए हैं, चार प्रश्न, ओके। पहला प्रश्न, डिड चैतन्य महाप्रभु चैंट हरे कृष्ण महामंत्र? पीपल से ही चैंटेड कृष्ण कृष्ण राम राघव, इज इट ट्रू? जब महाप्रभु चलते थे तो कभी कभी महाप्रभु ये चैंट करते थे, कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 रक्ष माम राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। इसका मतलब ये नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु केवल यही नाम उच्चारण किया। महाप्रभु ये भी गाते थे, हराय नमः कृष्ण जादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु जब हरे कृष्ण महामंत्र हमको दिया तो ये विचार हमको नहीं करना चाहिए महाप्रभु ये नाम चांट किया है या नहीं। लेकिन महाप्रभु कर जप करण हरि नाम परम, महाप्रभु अपना कर में गिनती गिन कर नाम करते थे। तो कौन से मंत्र जप करते थे महाप्रभु? हरे कृष्ण महामंत्र।
नित्यानंद प्रभु महाप्रभु जब दक्षिण भारत में जाने का प्रबंध किया तो महाप्रभु अकेला जाना चाहते थे, अकेला जाने का संकल्प किया। तब नित्यानंद प्रभु ने उनको समझाया, देखो तुम्हारा दो हाथ तो नाम गिनने में व्यस्त रहेगा, तो तुम्हारा कपड़ा और कमंडलू लेने के लिए तो कुछ से कोई जरूरत है, कम से कम एक एक भक्त को तुम्हारे साथ ले लो। तब चैतन्य महाप्रभु काला कृष्णदास को ग्रहण किया अपने साथ। यहां भी हमें मिल रहा है कि महाप्रभु जप करते थे और जप की गिनती माला में नहीं करते थे, हाथ में करते थे। तो ये इसके द्वारा हमें पता लगता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु किस तरह हरे कृष्ण महामंत्र जप किए थे। वी एक्सेप्ट कृष्ण एज सुप्रीम लॉर्ड, देन वाई कॉल्ड वैष्णव विष्णु, वाई नॉट कृष्ण भक्त। हाँ, ये प्रश्न भी अच्छा है, बहुत अच्छा। विष्णु है इस भौतिक जगत के सृष्टि के लिए भगवान, जब अपने आप को प्रकट करते हैं भगवान का वो रूप है विष्णु रूप। भगवान कारण सागर में महाविष्णु के रूप में लेटते हैं, और भगवान जब श्वास लेते हैं केवल नाक और मुंह से ही नहीं, अपने रोम रोम से जो श्वास लेते हैं उसके कारण जो बुदबुदा उत्पत्ति होता है वो सारे एक एक बुदबुदा है, एक एक ब्रह्मांड। तत्पश्चात भगवान हर ब्रह्मांड में गर्भदोक्षाई विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं, और हर जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान का जो प्रकाश है वो है क्षीरोदोक्षाई विष्णु। ऐसे भौतिक जगत को सृष्टि के कारण, सृष्टि के साथ संपर्क के कारण भगवान का विष्णु रूप। तो इसलिए इस दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो हम विष्णु को ही प्रधान रूप से देखते हैं, और इसलिए हम वैष्णव कहते हैं भक्तों को जो विष्णु को शरण में आया है। लेकिन जो कृष्ण के शरण में आया है, आप सही बताएं, उसको हम क्यों वैष्णव कहते हैं? क्योंकि जनरल टर्म्स है वैष्णव, लेकिन कृष्ण के शरण में जो कृष्ण को भक्त बना उसे काष्ण कहा जाता है, और जो राधा रानी के भक्त बने हैं वो हैं गौड़िया। तो वैसे असल विचार से हम वैष्णव नहीं हैं, हम काष्ण नहीं हैं, हम गौड़िया हैं। हम सब राधा रानी के दासी हैं। धामेर स्वरूप स्फुरीबे नयने होइबो राधारो दासी। तीसरी सवाल, वाई कृष्ण नेम इज नॉट रिकग्नाइज रिकग्नाइज ओके वाई कृष्णस नेम इज नॉट रिकग्नाइज एज सुप्रीम लॉर्ड इन वेदर्स। How many Vedas you have studied? Shrikant ji, कितने वेद आप पाठ किए हैं? जैसे आप ये बोलते हैं कृष्ण का नाम वेद में नहीं है। ऐसे जिस वेद में जाग यज्ञ या कर्मकांड का वर्णन हुआ है
उसमें कृष्ण के नाम उतना प्रकट रूप में नहीं हुआ, लेकिन वेद की जिस अंग में वेद का पूर्ण वैशिष्ट्य का वर्णन हुआ है वहां कृष्ण का नाम पूर्ण रूप से है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्रीमद् भागवत वेद है या नहीं? श्रीमद् भागवत है वेदांत के सार निचोड़, वेदांत के जो विश्लेषण भाष्य वो है श्रीमद् भागवत। ब्रह्मा जी जो वेद भगवान जिनको प्रदान किए थे, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कह रहे हैं, ब्रह्म संहिता का पहला श्लोक क्या है? ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह। तो ऐसे कोई आम आलतू फालतू आदमी के कुछ कहने से सुनना नहीं, सही रूप से जिसको जो ज्ञान है जिनको उसके पास जाके ये विचार सुनना चाहिए। हाँ, जो लोग बोलते हैं, मुझे लगता है कि ये विचार आपका नहीं है, आप किसी से सुने हैं, है ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूं। जो अज्ञान है उनसे सुनकर सिद्धांत निर्णय नहीं करना चाहिए, ठीक है? ओके। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ टू डेवलप नामे रुचि बीइंग इन मिजरीज ऑफ मेटीरियल वर्ल्ड। नाम कर रहे हैं आप? अच्छा, तो मेटीरियल वर्ल्ड का मिजरी कम रहा है या बढ़ रहा है, बताइए सही रूप से। कम रहा है, बहुत अच्छा। तो ये कमते कमते जब देखेंगे ये नाम के प्रभाव से सारे मिजरीज खत्म हो गए हैं, तब नाम में रुचि होगा। ओके, नाम करते रहना, ठीक है। हरे कृष्ण श्रीकांत। विस्मय, अच्छा विस्मय, ये प्रश्न किसका है? अच्छा, वेरी गुड। जय जगन्नाथ, अब पहले ही लिखे हैं जय जगन्नाथ, बहुत सुंदर। द एक्चुअल मीनिंग ऑफ युगा, ओ योगा, क्या आप क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअल मीनिंग ऑफ योगा और युगा? हाँ, बिकॉज यू हैव रिटन एज वाई ओ यू जी। हाँ हाँ, क्या है एक्चुअल मीनिंग ऑफ कर्मयोग? हाँ, कर्मयोग का मतलब है जिस कर्म के द्वारा हम भगवान के साथ युक्त हो सकते हैं उसको कर्मयोग कहा जाता है। योग का मतलब है, अब बताइए योग का मतलब क्या है? युक्त होना है ना, तो भगवान के साथ युक्त होने का जो तरीका है उसे कर्मयोग कहा जाता है, जिस कर्म के द्वारा भगवान के साथ हम युक्त हो सकते हैं। वैसे ही जिस ज्ञान के द्वारा हम भगवान के साथ युक्त हो सकते हैं वो है ज्ञान योग। द वर्ड योगा वाई एड इन गीता? यस, बिकॉज दैट इज द वे टू बी कनेक्टेड टू द लॉर्ड। वाई देयर इज द डिफरेंस? दिस वन इज From Sangeet Kumar Das. Sangeet Kumar Das. Okay.
why there is the difference that if we go in wrong way, then there is no. Itna bas bahut zyada ho gaya. पहले कुछ प्रश्न नहीं था, आज बहुत सारे प्रश्न आ गए. Why there is the difference that if we go in wrong way, then there is no obstacle, and if a person will follow the right path or devotional path, then there is so much obstruction. जब ऊपर से गिरता ना, बहुत आसानी से गिरते हैं, और जब ऊपर चढ़ते हैं तो तकलीफ होता है. हाँ, इसलिए गिरने में कोई दिक्कत नहीं होता है, बल्कि जब मिट्टी के साथ जब जमीन में गिर जाता है तब पता चलता है क्या हुआ. और भक्ति मार्ग में हाँ, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, इसलिए लगता है ये मार्ग कठिन है, बल्कि ये हो सकता है ये थोड़ा सा कष्टदायक है ऊपर चढ़ना. बल्कि ऊपर जाकर क्या मिलेगा? ऊपर जाकर आनंद मिलेगा, भगवान के साथ संग मिलने से. I'll just take these first questions first. How deity worship is different from Harinam Sankirtan. In Harinam Sankirtan, everything is included. Deity worship is also included. So it's not different. ये हरिनाम जो ये जो तीन पंथा जो है, ध्यान, यज्ञ और पूजन, ये तीन हरि नाम में है. जब हम नाम जपते हैं, ध्यान हो रहा है, और ये नाम है एक विशेष यज्ञ जिसे संकीर्तन यज्ञ कहा गया, यज्ञ संकीर्तन प्राय. और इस नाम में जो भगवान स्वयं है, उनको नाम लेने से उनका पूजन स्वतः ही हो जाता है. नमस्ते सरस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चाता श्रील प्रभुपाद की गौर.